दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन सहित पूरे ब्रज मंडल को आपने देखा होगा, लेकिन भगवान कृष्ण की ओर से बसाई गई नगरी द्वारका के बारे में अब तक केवल आपने सुना है। भगवान की बसाई गई है नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों क्या आपने श्री कृष्ण की द्वारका देखी है? अगर नहीं तो अब आप इसे देख सकते हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी देखने का सपना देखने वालों के लिए सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। पिछले कुछ सालों में टूरिज्म सेक्टर में एक अलग बूम आया। आज सिर्फ धरती नहीं बल्कि स्पेस ट्रेवल पर काम हो रहा है और अब जल्द ही अंडर वाटर ट्रेवल पर भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। जी हाँ, भारत में पहली बार समुद्र में पानी के नीचे सबमरीन से पर्यटन होगा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में सबमरीन से पानी के नीचे की सृष्टि को देखने का अवसर मिलेगा। पिछले कई महीनों से सरकार भारत में धार्मिक स्थानों के पर्यटन पर काफी जोर दे रही है। उसी कड़ी में गुजरात सरकार एक कदम और आगे बढ़ा रही है। गुजरात सरकार ने हाल ही में मंजगांव डोंग के साथ एक MOU किया है जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के समुद्री किनारे पर सबमरीन से पर्यटन शुरू किया जाएगा। साल 2024 की दिवाली तक इस प्रोजेक्ट को साकार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सबमरीन में बैठकर समुद्र में 100 मीटर नीचे पर्यटकों को ले जाया जाएगा जहां वे अंडर वाटर मरीन लाइफ का मजा ले पाएंगे। अभी इस प्रोजेक्ट का सिर्फ MOU साइन हुआ है। गुजरात टूरिज्म के MD सौरभ पारधी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अपने आप में अलग प्रोजेक्ट है और इसे समुद्री पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसका मुख्य हेतु गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने का है और धार्मिक स्थान पर आ रहे पर्यटकों का ज्यादा सुविधा देने का है। इस स्वदेशी पनडुब्बी को केवल माझगांव डॉक द्वारा संचालित किया जाएगा। इस पनडुब्बी को समुद्र में 300 फीट तक ले जाया जाएगा। यह रोमांचक यात्रा 2 से 2.5 घंटे की दर में पूरी होगी, लेकिन इसका किराया महंगा होगा। लेकिन सामान्य आदमी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार इसमें सब्सिडी जैसी छूट देने पर विचार कर सकती है। यह पनडुब्बी 35 टन की वजनी वाली एयर कंडीशन होगी। इसमें 30 लोग बैठ सकेंगे। इसमें एक मेडिकल किट भी होगी। इसमें 2 लाइन में 24 यात्री बैठ सकेंगे। इसमें 2 चालक 2 ड्राइवर्स, 1 मार्गदर्शक और 1 तकनीशियन होगा। प्रत्येक सीट पर 1 विंडो व्यू होगा ताकि कोई आसानी से 300 फीट की गहराई में समुद्र की प्राकृतिक सौंदर्य गृहित कर सके। संचालन एजेंसी यात्रीगण को ऑक्सीजन मास्क, फेस मास्क और स्कूबा ड्रेस प्रदान करेगी। इनका किराया टिकट में शामिल होगा। इसमें प्राकृतिक रोशनी के लिए इंतजाम होगा। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं भी होगी जिसे आप सीधे स्क्रीन पर आंतरिक गतिविधियों, जानवरों आदि को देख सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हो चुका है और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। अगर यह प्रोजेक्ट अपने समय में पूरा हुआ तो यह देश में ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें समुद्र के नीचे सबमरीन में लोग पर्यटन का लुत्फ उठाएंगे। द्वारका को पर्यटन के मैप पर लगाने के लिए गुजरात सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में जाने के बाद द्वारका से जुड़ी तमाम परियोजनाओं में न सिर्फ गति आई है बल्कि देवभूमि द्वारका को द्वारका आइलैंड से जोड़ने वाले ब्रिज भी अब लगभग तैयार हो चुका है। 900 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 2320 मीटर लंबा ब्रिज पर्यटकों को अरब सागर निहारने का मौका देगा। इसके साथ पनडुब्बी से पुरानी द्वारका के दर्शन की शुरुआत से देवभूमि द्वारका में पर्यटकों के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। खैर, आपको सरकार की ये पहल कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।